तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to 2π इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल्स बताने कहां पर इंक्रीजिंग होगा और कहां पर डिक्रीजिंग होगा। हमें तो साफ सीधी बात पता है कि जो दिया होगा हमें फंक्शन उसका कोई एक ग्राफ बन रहा होगा, ग्राफ बन रहा होगा। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हम लोग इंटरवल्स निकालने के लिए इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है। फिर जो इंटरवल्स बनेंगे हमारे पास, उन इंटरवल्स से हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उनके बीच में वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जहां पॉजिटिव आ गया वहां इंक्रीजिंग है, जहां नेगेटिव आ गया वहां डिक्रीजिंग है। सिंपल, ये उतना ही सिंपल है जितना मैं बोल रहा हूं। देखो जरा मुझे क्या दे रखा है, गिवन। अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो मुझे गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या मिल गया मुझे, ये मेरे पास क्या आ गया, एक जनरल स्लोप। मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव क्या होता है, जनरल स्लोप। अब जरा देखिए यहां पर मुझे पीक और डीप पॉइंट्स पता करने हैं सबसे पहले। उसके लिए क्या करूंगा, पीक और डीप पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही मैंने इसे इक्वल टू जीरो रखा, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये यहां अगर अपॉन में चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। आगे देखते हैं, तो टेन एक्स इक्वल टू जो 1 आ चुका है हमारे पास, ठीक है, ये कैसे आया, जब हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखा। अब यहां पर हमें ये देखना है कि जीरो से लेकर के 2π तक, जीरो से लेकर के 2π तक टेन एक्स, यानी कि टेन जो है वो पॉजिटिव 1 कब कब आता है। टेन पॉजिटिव कहां कहां होता है, टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां क्या होता है थीटा, यहां पाई माइनस थीटा, यहां पाई प्लस थीटा, और यहां पर 2π माइनस थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा है पाई बाय 4। क्या हो गया थीटा, यहां पर हो गया पाई बाय 4। तो अगर मैं पाई बाय 4 यहां पर दे रखा है और अगर मैं यही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर, पाई प्लस पाई बाय 4, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 10x है, 10x इक्वल टू 1 कहां कहां आता है, पाई बाय 4 पे और 5π बाय 4 पे। कहां पर आता है, पाई बाय 4 पे और 5π बाय 4 पे। अगर मैं एक लाइन बनाऊं, हम लोग कहां से कहां तक जा सकते हैं, 0 से लेकर के 2π तक जा सकते हैं, ठीक है। थीटा कहां है, यानी पहली 10x इक्वल टू 1 कहां मिला, पाई बाय 4 पे मिला। यहां मैं क्या लिख दूंगा, पाई बाय 4। नेक्स्ट कहां मिला, एक और 10x इक्वल टू 1 कहां पे मिला मुझे, यहां पे मिला, यानी कि 5π बाय 4। अब जरा ध्यान से देखिए कि वैल्यूज मैं 0 से लेकर के 2π तक ही रख सकता था, ठीक है। अब मुझे दो इंटरवल भी मिल गए बीच में। अब ये पीक पॉइंट है डीप पॉइंट है मुझे नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता। मैंने क्या किया, अपना सिंपल सा मैं काम करता चला जा रहा हूं। मुझे फंक्शन दिया, मैंने डेरिवेटिव किया, मैंने इक्वल टू जीरो रखा, फिर मैंने वहां से देखा कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। लेकिन कहां पर देखा, जो मुझे डोमेन दे रखा था, डोमेन मुझे ये दे रखा था, इसलिए मैंने बस इन्हीं के बीच में देखा। देखा जरा यहां पर, फिर हम लोगों ने देखा कि टेन एक्स इक्वल टू 1 कहां कहां आता है, पाई बाय 4 पे और 5π बाय 4 पे। तो मैंने क्या करा, देखो एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीन इंटरवल मिल गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर टेबल बना दूं, यानी कि इंटरवल बनाया मैंने यहां पर, यहां पर क्या रख दूंगा मैं, टेस्ट पॉइंट या टेस्ट वैल्यू बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल दो, टेस्ट वैल्यू यहां बोल सकते हो आप साइन, और यहां बोल सकते हो आप इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग, कुछ भी जो भी हो वो आप यहां पर बता दो, ठीक है। तो जरा यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर देखते हैं, पहला इंटरवल क्या है, जीरो से लेके पाई बाय फोर, जीरो इंक्लूड कर सकते हैं
उन्होंने बोला जीरो इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। और कहां तक जाएंगे, पाई बाय फोर तक, यानी कि इसे क्या बोल सकता हूं मैं, जीरो से लेकर के पाई बाय फोर, इसके बाद पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, फिर फाइव पाई बाय फोर से टू पाई, फाइव पाई बाय फोर से टू पाई। अब मुझे क्या मिल चुका है, मुझे अलग अलग इंटरवल्स मिल चुके हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, मैं क्या करूंगा वैल्यूज पुट करके देखूंगा, ठीक है। तो जीरो से लेकर के पाई बाय फोर तक एक कौन सी वैल्यू जिससे मुझे आसान सी वैल्यूज मिल जाए, ऐसी वैल्यू बतानी है मुझे थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दो, मैंने क्या रख दिया अपनी तरफ से पाई बाय सिक्स रख दी, ठीक है। अच्छा अब पॉजिटिव कहां देखनी है, डेरिवेटिव में देखनी है, डेरिवेटिव कहां है, डेरिवेटिव ये रहा, जो मैंने डेरिवेटिव निकाला ये रहा, यहां तो मैंने इक्वल टू जीरो रखा था, ये रहा मेरे पास मेन डेरिवेटिव, यहां से पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ये चीज देखनी है। अच्छा ये कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री बाय टू, और साइन 30 वन बाय टू, रूट थ्री बाय टू बड़ा होता है, ठीक है, वन पॉइंट समथिंग, और ये क्या है वन, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसका मतलब जीरो से लेकर के पाई बाय फोर तक यहां से साइन क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब एक मजे की बात बताता हूं कि जब कभी भी कोई सा भी फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा है, फंक्शन इसी तरीके से कर्व बन के ही बनेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही चला जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जब कोई फंक्शन एक पॉइंट पर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। अरे भाई इंक्रीजिंग के बाद अगली स्टेज कौन सी आएगी, इंक्रीजिंग के बाद और इंक्रीजिंग तो आएगी नहीं, इंक्रीजिंग चल रहा है उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीजिंग के बाद आ जाएगा अपने आप डिक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग के बाद, ये कॉमन सेंस है कि इंक्रीजिंग के बाद क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के बाद क्या आ जाएगा दोबारा से इंक्रीजिंग, यानी कि हमें पता तो चल चुका है, अब हमें लेकिन यहां से प्रूफ भी करना है कि क्या ये सच है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं जरा। अब मुझे क्या करना है, पाई बाय फोर से लेकर के फाइव पाई बाय फोर तक जाना है, इनके बीच में मुझे कोई एक आसान सी वैल्यू ले लेनी है, तो मैंने क्या करा, देखिए जरा पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर तक आना है तो मैंने कोई वैल्यू इसे पाई को एक आसान वैल्यू समझा, मैंने यहां पर ले लिया पाई, सिंपल पाई। अच्छा देखिए जरा यहां पर अगर मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में पाई रख दूं तो कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है माइनस वन, माइनस साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है जीरो, माइनस वन माइनस जीरो यानी कितना आ गया माइनस का वन, यानी क्या आ गया नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है डिक्रीजिंग, और यही तो मैं कह रहा था कि इंक्रीजिंग के बाद क्या आएगा डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं फाइव पाई बाय फोर से लेकर के टू पाई, टू पाई में देखिए यहां से लेकर के यहां तक जाना है तो आसान सी वैल्यू मुझे ये लगी क्या थ्री पाई बाय टू, वैल्यू पुट करके देखता हूं, कॉस थ्री पाई बाय टू माइनस साइन थ्री पाई बाय टू, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को ये वैल्यूज पता हो, पर अगर आप लोगों को ये वैल्यूज नहीं पता है तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहां क्या आ जाएगा पाई बाय टू, यहां पर पाई, यहां पर थ्री पाई बाय टू, यानी कि थ्री पाई बाय टू पे क्या वैल्यू आ रही है जीरो कॉस की, और साइन को देखो यहां पर पाई बाय टू, यहां पर पाई, और यहां पर क्या थ्री पाई बाय टू, क्या वैल्यू आ रही है माइनस वन, तो यानी कि मैं थ्री पाई बाय टू पे कॉस को क्या लिखूंगा जीरो, फिर माइनस साइन थ्री पाई बाय टू क्या होता है माइनस वन, यानी कि माइनस वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखिए जरा यहां पर मैंने यहां पर क्या रखा थ्री पाई बाय टू, क्या वैल्यू आई पॉजिटिव आया साइन, और ये क्या हो गया फिर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अल्टरनेट हो गए, और ये कोई ट्रिक नहीं है कोई जादू नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो एक बार इंक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग भी तो होगा और क्या होगा। तो ये था हमारा क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई बड़ी चीज नहीं किया, बस एक फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वल टू जीरो रखा, वहां से मुझे कुछ वैल्यूज मिल गई, मैंने उनसे इंटरवल्स बना दिए, ठीक है, इंटरवल्स बना दिए, उन इंटरवल्स के बीच की वैल्यूज पुट की,
पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग बोल दिया और नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग बोल दिया, उनके रीजंस आपको पता है।